हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जब इनका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि जैसे 9801 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने पे जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब पक्का श्योर नहीं है कि वही आएगा, लेकिन हाँ जो आप आंसर देने वाले हो उनमें से एक पक्का आएगा, ये हमें बताना है। चलिए, तो जैसे हमारे पास पहला नंबर है 9801। देखिए, जो नंबर का हमने रूट लेना है उसका जो यूनिट डिजिट नंबर है वो 1 है। अब 1 आपको कैसे मिलता है, कोई आप ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, तो यूनिट डिजिट पे 1 आ गया। उसके अलावा अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 81, और 81 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 1 है। तो इसका मतलब क्या है, जो 9801 का रूट होगा उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, मतलब होगा इन दोनों में से ही, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट होने का कोई चांस नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट है 99856। तो इस नंबर में यूनिट प्लेस पे अपने नंबर है 6 डिजिट है। 6 आपको कैसे मिलता है, 6 आप लोगों को देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 9, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो आई विल गेट 16, और 16 में जो 6 है वो यूनिट डिजिट पे आ गया। तो यानी कि एक तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि यहाँ पर जो रूट है 99856 का, उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 4 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है और 16 पे जो 6 है वो यूनिट प्लेस पे है। इसके अलावा 5 का स्क्वायर 25 देगा आपको, 6 का स्क्वायर वी विल गेट 36, और 36 में भी आप देख सकते हो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 6 है, तो यानी कि 4 या फिर 6। क्या कोई और जगह है? 7 का स्क्वायर 49, ये भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, ये भी नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81, ये भी नहीं होगा, और 10 का स्क्वायर 100 तो 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज आइदर 4 और 6। थर्ड पार्ट है 998001। तो अगेन यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट हमारे पास है, तो 1 आपको कैसे मिल सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर या फिर 9 का स्क्वायर करने पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 डिजिट चला गया। तो जब आप इसका रूट लोगे तो रूट होने वाले नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या फिर 9 होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट इज योर 6576666025। यूनिट प्लेस पे आप लोगों को यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब 5 आप लोगों के पास कैसे आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे तो कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे आपको 5 नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 25। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पर 5 हो, और इसके अलावा 6, 7, 8, 9 कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, जब आप इस नंबर का रूट करोगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको डिजिट क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि किसी भी नंबर का जो रूट है उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस या फिर 1 से डिजिट प्लेस भी कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है,
without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि जिनके रूट पॉसिबल नहीं है कि इंटीजर की टर्म में। अब आपको याद क्या रखना है, जिन नंबर की एंडिंग 2 से, 3 से, 7 से और 8 से होती है, ये जो नंबर जिनकी एंडिंग यहाँ से होती है वो पक्की कंफर्मेशन है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होंगे। यानी कि 153 की एंडिंग 3 से हो रही है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 257 की एंडिंग 7 से हो रही है तो ये भी नहीं है, 408 में 8 आ गया है तो ये भी नहीं है, 441 में जो एंडिंग है वो 1 पे हो रही है तो इसका चांस है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि 441 का पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन इसका होने का चांस है क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर है 21 और एक मेरे पास है 121। आपको पता है कि 21 का रूट परफेक्ट नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे 21 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम लोग 121 की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 121 का रूट 11 होता है। अब देखिए दोनों ही तरफ 1 लगा हुआ यूनिट प्लेस पर, लेकिन हो भी सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं भी हो सकता। लेकिन इसके अलावा अगर ये नंबर लगे हुए हैं 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8, ये तो पक्का श्योरिटी देते हैं कि इनका रूट करने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए श्योरली का मतलब यह है कि यकीनन पक्का जो बाकी डिजिट बच गए वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 54 एंड 64 का आपको पता है रूट 8 होता है तो यानी कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 54 का कोई परफेक्ट रूट नहीं होता तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।